Hello students, a very good morning to all. In this video, we will solve the exercise 3.6 of second part. हम क्या है इस वीडियो में 3.6 का फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. हम 3.6 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर सेकेंड करने जा रहे हैं. 3.6 एक्सरसाइज का, ठीक है. इसमें सिर्फ 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. हम आपने इन 3 वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है. मैं जस्ट आपको क्या है ये क्या है इक्वेशंस फॉर्म करके दूंगी, आप इसको सॉल्व कर लेना बाय एनी मेथड. क्लियर? तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं. क्या है थर्ड क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में पूरे अच्छे से बताया था कि व्हाट इज़ अपस्ट्रीम व्हाट इज़ डाउनस्ट्रीम, है ना. तो आपको पता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हम क्या करते हैं, वाटर की स्पीड लेट कर लेते हैं एक्स, एज वेल एज और किसकी बोट की लेट कर लेते हैं. बोट की एक्स कर लो, वाटर की वाई कर लो, ठीक है. जैसे मर्जी कर लो, वैसे तो ऐसे ज़्यादा बेटर रहता है. तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाती है, अगर नहीं किसी को समझ आ रहा ये तो प्रीवियस वीडियो देखो तब समझ आएगा. अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई हो जाता है और डाउनस्ट्रीम में जो टोटल हमारी स्पीड है, समझाया था कि होते क्या है, सारा कुछ प्रॉपर बताया हुआ है. डाउनस्ट्रीम में टोटल स्पीड हमारी एक्स प्लस वाई हो जाती है ना. ये स्पीड लेट करते थे हम, स्पीड ऑफ वाटर वाई, स्पीड ऑफ बोट एक्स. तो टोटल स्पीड है जो अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई हो जाएगी, टोटल स्पीड इन डाउनस्ट्रीम में एक्स प्लस वाई हो जाएगी. तो क्वेश्चन पे चलते हैं. हमें बोला जा रहा है इसमें रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम. रितु क्या है, डाउनस्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है. तो देखो रितु है वो डाउनस्ट्रीम जा रही है कितना, 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर क्या है उसका डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो इन 2 आवर. 2 आवर क्या है उसका टाइम, है ना. और वो क्या है डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं. 3 चीज़ों की बात हुई है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर वो जा रही है, 2 घंटे में जा रही है, और वो जा कैसे रही है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउनस्ट्रीम की हेल्प से. तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ, आपको बताया है हमेशा इसके लिए क्या फॉर्मूला उठाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये डाउनस्ट्रीम जा रही है ना पहले, तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है नेट स्पीड वो कितनी होती है, एक्स प्लस वाई. तो स्पीड हमारी क्या हो गई, एक्स प्लस वाई. पर यहाँ से एक चीज़ और कर लो चाहे आपकी मर्जी, चलो ऐसे ही रख लो. स्पीड क्या हो गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था डाउनस्ट्रीम में 20 और टाइम कितना था 2. तो 20/2 कट हो रहे हैं, कट कर दो. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10. दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. किसी को समझ नहीं आएगा क्वेश्चन जब तक आप पिछली वीडियो में इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तो समझ नहीं आएगा. सेकंड क्या है यहाँ पे हमारा, सेकंड हमें बोला जा रहा है यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया एंड अपस्ट्रीम, और वो अपस्ट्रीम जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है 4 किलोमीटर, वही उसका डिस्टेंस हो गया इन 2 आवर. 2 आवर उसका क्या हो गया टाइम. तो 4 किलोमीटर 2 आवर में जा रही है, बट क्या जा रही है अपस्ट्रीम, ठीक है. तो अब अपस्ट्रीम की कंडीशन, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, एक्स माइनस वाई. कितना जा रही है, डिस्टेंस कितना है उसका 4 किलोमीटर, ठीक है. कितने आर में, 2 आर में, 4 है सॉरी यहाँ पे, 4 किलोमीटर इन 2 आर. ओ देख ले एक मिनट, यूनिट किलोमीटर किलोमीटर आर आर, ठीक है. हाँ तो 4 किलोमीटर जा रही थी इन 2 आर. कट हो रहे हैं, कट कर दो तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. डैट इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को आप किसी भी मेथड से क्या सॉल्व कर लोगे. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. चलो अब चलते हैं, अभी पहले हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड बाद में करेंगे, ठीक है. सेकंड थोड़ा सा है ट्रिकी, उसको आप ध्यान से एंड में समझना, पहले थर्ड क्वेश्चन समझ लो, ये इजी है. रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. देखो रूही है वो ट्रैवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस दे दिया, टोटल किलोमीटर में क्या है डिस्टेंस, वो टोटल 300 डिस्टेंस कवर कर रही है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. पर वो पार्टली किससे कर रही है, ट्रेन से, कि वो आधे रास्ते ट्रेन से जा रही है और आधे रास्ते किससे जा रही है, बस से जा रही है. तो वो जो टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस है उसमें से आधा वो मतलब कुछ हिस्सा उसका ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, कुछ हिस्सा आए बस से ट्रैवल कर रही है. क्लियर? तो आगे शी टेक्स 4 आर, है ना. शी टेक्स 4 आर, वो 4 आर ले रही है, 4 घंटे ले रही है. कब? इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर ट्रेन से, ठीक है.
एंड रिमेनिंग बाय बस, और रिमेनिंग जो बचा वो किससे, बस से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, हमने ट्रेन और बस की स्पीड फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको क्या है, लेट कर लो। सो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स, लेट द स्पीड ऑफ बस इज वाई। सो सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, किलोमीटर्स में है ये स्पीड है ना हमारी, किलोमीटर्स में। तो देखो अब ध्यान से, अब उन्होंने बोला है हमें वो क्या है 60 किलोमीटर, सॉरी कहाँ पे गए, यस 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 ऊपर चलते हैं। हाँ तो अब शुरू से देखो, सारा कुछ भूल जाओ। ठीक है, अब देखो हमें बोला था कि वो 4 घंटे ले रही है, टोटल टाइम दे दिया जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा, पहले तो रिमेनिंग देखो कितना बचा, 300 वो टोटल था उसका, 60 वो ट्रेन से चल गई, तो बचा कितना, 240 बचा ना, क्लियर हुआ। 300 उसका टोटल डिस्टेंस था, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 240 बचा 300 में से 60 माइनस करके, तो 240 वो किससे जा रही है, बस से। टोटल दोनों को मिला के जब वो ट्रेन और बस से जा रही है, तो दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर है ना। तो टाइम स्पीड इसकी बात हो रही है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो कैसे होगा, अब देखो हमने फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टोटल टाइम दिया हुआ है ना, तो टाइम को एक साइड पे रख लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे भी लिख लो, चाहे इसको इधर ले जाओ चाहे इसको इधर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो ऐसे लिख दिया। अब टोटल टाइम कितना है, 4 आवर, तो 4 इज इक्वल टू टोटल टाइम है ना, जो टोटल चीज़ है उसको साइड पे रख लो, टोटल टाइम साइड पे रखा गया। अब पहले मान लो हम लिख रहे हैं किसका, लेट कर लो, पहले हम सिर्फ ट्रेन का लिख रहे हैं, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 60 है ना, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 60, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, तो स्पीड कितनी है ट्रेन की हमारे एक्स, तो 60 ओवर एक्स। ठीक है, प्लस वो जो 240 डिस्टेंस किससे ट्रैवल कर रही है, 240 डिस्टेंस ओवर स्पीड किससे कर रही थी, वो बस से, तो बस की स्पीड कितनी है वाई। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, नहीं क्या किया हमने, 4 टोटल टाइम है ना, ये फॉर्मूले में ही पुट किया, ये हमारा टोटल टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। तो पहले हमने सिर्फ ट्रेन का लिखा, ट्रेन का डिस्टेंस कितना था 60, ओवर स्पीड कितनी थी एक्स, प्लस 240 डिस्टेंस था बस का, तो और वाई स्पीड किसकी थी, बस की, तो टोटल जो पूरी जर्नी में कितना टाइम लग गया इसको, 4 आवर। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आप इसी इक्वेशन में अब देखो एक्स और वाई हैं, जो एक्स और वाई हैं वो नीचे आ रहे हैं ना, तो इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है कि इक्वेशन को कैसे हमने रिड्यूस करना है इनटू द लीनियर इक्वेशन, 1 ओवर एक्स को पी पुट करके, 1 ओवर वाई को क्यू पुट करके, पिछली वीडियो देखो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, सेकेंड इक्वेशन भी सेम बनेगी। देखो क्या बोला है हमें सेकेंड इक्वेशन में, हमें बोला जा रहा है इफ़ शी ट्रैवल, यहाँ से सेकेंड कंडीशन शुरू हो गई, इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, वो 100 किलोमीटर किससे जा रही है, ट्रेन से, एंड रिमेनिंग बाय बस, अब 300 में से वो 100 क्या है, ट्रेन से चली गई, तो रिमेनिंग कितना बचा, 200 किलोमीटर ही डिस्टेंस बचा ना, 300 में से 100 वो ट्रेन से चली गई, तो पीछे कितना डिस्टेंस बचा, 200, तो 200 वो जा रही है बस से, है ना। आगे तो जब वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 200 बस से जा रही है, तो शी टेक 10 मीटर लॉन्गर, तो ये चीज़ देखो, वो 10 मिनट ज़्यादा ले रही है, 10 मिनट ज़्यादा ले रही है, मतलब किससे बात की होगी उन्होंने, पिछले टाइम से ही बात की होगी, तो वो जो पिछली जर्नी में टाइम लगा था 4 आवर, वो 4 आवर से 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा ले रही है, क्लियर हुआ। तो इसको लिखेंगे कैसे, वैसी इक्वेशन बनाओ, सबसे पहले 100 किलोमीटर क्या है, ट्रेन से है, तो 100 डिस्टेंस हो गया, ओवर स्पीड ट्रेन की कितनी है एक्स, तो 100 बाई क्या आ जाएगी एक्स, है ना, प्लस उसके बाद क्या था 200, वो 200 किससे चल रही थी, बस से, तो 200 तो उसका डिस्टेंस हो गया, बस की स्पीड कितनी थी वाई, तो 200 ओवर वाई इज इक्वल टू, वो 10 मिनट ज़्यादा ले रही है किससे, प्रीवियस टाइम से, मतलब पहले 4 आवर लिए थे, तो अब 4:10 लिए होंगे, 4:10 मिनट लिया, 4 आवर 10 मिनट, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4 आवर 10 मिनट को, आगे तो ऐसे ही रखो,
4:10 है ना, तो हम आपको शायद छोटी क्लासेस में किया होगा, 4 आर प्लस 10 जो मिनट है उसको हम आर में कन्वर्ट कर देंगे। 4 तो आर में है ही ना ऑलरेडी, हमने डिवाइड करवा के 60 से इसको भी आर में ले गए, है ना। जब भी हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो सेंटर में प्लस डाल देते हैं, छोटी क्लासेस में किया होगा आपने, तो इसको भी आर में कन्वर्ट कर दिया 10 मिनट को, 10/60। तो राइट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो एज इट इज़ लिखा रहेगा ये, जब इसको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा 60, 60 को 4 से किया 240, 6 4 24 प्लस 10, है ना, तो कितना आएगा ये हमारा, ठीक है ना, 6 को 24, हाँ 640 प्लस क्या आ गया हमारा 10, ठीक है। तो आगे 100x + 200y = 250/60, तो 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 100x + 200y = 25/6। तो ये हमारी नेट सेकंड इक्वेशन बन गई। इसमें भी आप वही रिड्यूस, इसको रिड्यूस करोगे पहले लीनियर इक्वेशन में, 1/x को p पुट करके, इसको क्या हो, ये आपको पिछली वीडियो में करवाया था। तो हमारी दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लो बाय एनी मेथड, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन रह गया है ओनली, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है, ध्यान से समझना सेकंड क्वेश्चन को, काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है बच्चे, पर इसको ध्यान से समझना क्या है। देखो हमें बोला है सेकंड क्वेश्चन में, 2 women and 5 men, है ना, 2 women है 5 men है, वो टुगेदर कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं इन 4 days, कि जो 2 men और 5 men है ये टोटल वर्क 4 day, कोई वर्क है, कोई भी वर्क हो सकता है, एम्ब्रॉयडरी कोई भी, तो जो टोटल वर्क है वो 4 day ले रहे हैं उसको करने के लिए, है ना। तो नीचे लिख लेते हैं, 2 men है प्लस वीमेन कितनी है, चेक करें ऊपर जाके, 2 women है 5 men है, तो 2 women है यहाँ पे प्लस 5 men है, वो टोटल कितने डेज में काम कर रहे थे, 4 days में, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 days, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारे पास, वाइल 3 women and 6 men, 3 women 6 men फिनिश कर रहे हैं वही काम 3 day में, 3 women 6 men, 3 women + 6 men कंप्लीट कर रहे हैं उसी वर्क को इन 3 days, इन 3 days, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन नहीं बनी, ये कंडीशन ऐसे नहीं बनेगी, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आगे देखो, आगे ये तो कंडीशन समझ आ गई आपको कि 2 women है 5 men है, इकट्ठे काम कर रहे हैं, कोई 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 women है 6 men है, वो इकट्ठे किसी काम को 3 day में कंप्लीट कर रहे हैं। आगे हमें बोला है फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 women, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 women अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डैट टेकन बाय 1 man अलोन, कि एक अकेली वूमेन उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, हमने एक तो वो फाइंड करना है, दूसरा एक अकेला मैन अलोन, है ना, एक अकेला मैन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो फाइंड करना है, है ना। तो अभी तक तो हमने ये चीज़ लेट ही नहीं कही कि वो एक दिन, जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी उसको लेट करते हैं ना, तो क्वेश्चन थोड़ा लग है, तो देखो कैसे करना है। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई 1 women है, ठीक है, मान लो वैसी ले रही हूँ कि अगर कोई राम है, ठीक है, राम है, वो एक काम को, 1 work को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कोई राम है, वो एक वर्क को, कोई भी एक काम है उसको वो 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो अगर मैं पूछूँ वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो 1/4 ही करेगा ना, ठीक है। अगर राम है कोई, वो एक वर्क को 4 दिन में कर रहा है, अगर मैं पूछूँ वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो 1/4 ही करेगा ना, एंट्री मेथड लगाते थे हम, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें यूज़ होनी है, देखो कैसे यूज़ होगी। तो अब देखो, पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट कर क्या करना है हमने, उन्होंने क्या पूछा, क्या है फाइंड करने के लिए, क्या बोला है कि एक वुमेन काम को कितने दिन में अकेली कंप्लीट करेगी, तो उसको लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 women, है ना, 1 women टू फिनिश द वर्क, क्योंकि एक वीमेन का टाइम ही निकालना, टाइम का मतलब नंबर ऑफ डेज ही हो गए ना, तो नंबर ऑफ डेज
टेकन बाय वन वीमेन, एक वीमेन कितने नंबर ऑफ डेज लेगी टू फिनिश द वर्क, वर्क को फिनिश करने के लिए, उसको लेट कर लो एक्स डेज। क्लियर हुआ? कोई एक वीमेन है वो कितने नंबर ऑफ डे ले रही है किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए, मान लिया एक्स डे। तो वही जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई राम है वो एक वर्क को चार दिन में कंप्लीट करा तो एक दिन में कितना करेगा, एक बटे चार। तो यहाँ पे देखो ये एक वीमेन है, एक काम को वो एक्स डे में कर रही है। तो अगर मैं यहाँ से पर डे का वर्क निकालूँ कि वो एक दिन में कितना काम कर रही है, पर डे का मतलब एक दिन का वर्क कितना करेगी, वो वन बाय एक्स ही करेगी ना। तो पहले तो हम लेट कर लेंगे कि एक वीमेन कितने डे ले रही है, एक्स डे। फिर क्या करेंगे, वहाँ से हम पर डे का वर्क निकाल लेंगे कि एक दिन में वो कितना काम करेगी, वन बाय एक्स वर्क करेगी। क्लियर? तो इसमें आपने ऐसे ही लेट करना है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे ही सेम लेट करेंगे किसके लिए, मैन के लिए। लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क, सेम ले लेंगे नंबर ऑफ डे, लिख लेना वन मैन टू फिनिश द वर्क। मान लो वाई डे ले रहा है, जो वन मैन है वो वाई डे ले रहा है, तो मैन का वर्क पर डे कितना होगा, पर डे का वर्क मैन का कितना होगा, वन बाय वाई होगा ना, ये मैन का चल रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़, जैसे हमने वीमेन का किया वैसे ही मैन का ले लिया, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन कैसे बनेगी, ध्यान से सुनो। अब हमें देखो, अगर एक चीज़ और सुनो, जैसे यहाँ पे टू हैं, टू वीमेन थी, मैंने यहाँ पे बोला है आपको कि एक वीमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, वन बाय एक्स कर रही है, यही आया है ना कि एक वीमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, डैट इज़ वन बाय एक्स। तो टू वीमेन एक दिन में कितना काम करेगी, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दिन का वर्क, ठीक है ना। एक वीमेन एक दिन में एक बटे एक्स काम कर रही है, तो टू वीमेन एक दिन में कितना काम करेगी, टू इंटू वन बाय एक्स ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पुट कर दो बस, यहाँ पे ये जो वर्क है ना, वर्क की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक मैन का, एक वीमेन का वर्क कितना था, वन बाय एक्स, एक मैन का वर्क कितना था, वन बाय वाई, है ना। वैसे ही यहाँ पे एक वीमेन का कितना था, वन बाय एक्स, एक मैन का कितना था, वन बाय वाई। तो यहाँ पे पुट कर दो सिंपली, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू बाय एक्स प्लस फाइव बाय वाई इज इक्वल टू, एक चीज़ और समझो, जैसे यहाँ पे तो हमें फोर डेज दिए हुए हैं, देखो इधर हमारे पास ये सारी, एक चीज़ याद रखो, हमेशा इक्वल दोनों साइड पे सेम चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके लेफ्ट साइड में वर्क चल रहा है, इधर में वर्क चल रहा है ना, इधर हम वर्क निकाल रहे हैं, तो राइट साइड में भी आपका वर्क ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड पे सेम चीज़ होने चाहिए। अगर इधर आपका वर्क चल रहा है तो इधर भी वर्क होना चाहिए, अगर इधर डेज चलते तो इधर भी डेज होना चाहिए। तो अब तो हमने ये वर्क निकाला था कि टू वीमेन का वर्क कितना हो गया, टू इंटू वन बाय एक्स, तो इधर भी तो वर्क ही होना चाहिए, तो फोर डेज हैं। देखो फोर डे, एक वीमेन फोर, ये इकट्ठे काम फोर डे में कर रहे हैं। अगर मैं एक मैन और एक वीमेन का निकालूँ तो वो कितने में करेंगे, वन बाय फोर में, वही यूनिटरी मेथड से है ना, वन बाय फोर में। तो इधर क्या लगेगा, वन बाय फोर, यहाँ पे क्या लगेगा, वन ओवर थ्री। तो देखो पुट करते हैं नीचे जाके, यहाँ पे वन ओवर फोर लिखेंगे ना कि फोर अकेला। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकेंड कंडीशन में थ्री ओवर एक्स प्लस सिक्स ओवर वाई इज इक्वल टू वन ओवर थ्री बन जाएगी। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन बन गई। इसको भी आप, ये देखो एक्स और वाई नीचे आ रहे हैं ना, तो इसको वन ओवर एक्स को पी पुट करोगे, वन ओवर वाई को क्या हो, वैसे ही रिड्यूस करोगे इसको लीनियर इक्वेशन में, और क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सारा मैंने मेथड है जो रिड्यूस करने का, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया 15th पार्ट में, तो प्लीज़ ध्यान से उसको देखना और फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो हमारे तीनों क्वेश्चन ख़त्म, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर थ्री है डैट इज़ कम्प्लीट। इसके सारे मेथड आपने स्टेप बाय स्टेप सारे देखनी है, वीडियोज़ भी स्टेप बाय स्टेप आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।